तो ऑल राइट दोस्तों, तो रशिया ने फाइनली वार्निंग दे दी है फिनलैंड को कि अब अगर अब फिनलैंड नेटो में जाता है तो वो इन्वेड करेंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन गए थे। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ बिल्कुल बॉर्डर के साथ में, एक शहर पड़ता है छोटे से, वहाँ मेरा आज एग्जाम था, अभी मैं ख़त्म किया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ट्रेन खड़ी है, वापस हेलसिंकी के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार उधर से भी करके दिखाता हूँ। तो इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी डाली थी और काफ़ी लोगों ने मेरे को ये बोला था कि भाई अरे यार बहुत वेदर यहाँ पे ना, मैं नॉर्थ साइड पे हूँ तो वेदर अभी भी हेलसिंकी से काफ़ी ख़राब है, इवन दो कि अप्रैल शुरू हो गया है और अपने इंडिया में तो बहुत गर्मी चल रही है। बट एनीवेज, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी और मैंने पूछा था कि अगर आप ट्रेन देखना चाहते हो तो हाँ करना, तो काफ़ी लोगों ने हाँ किया है। तो आज मैं वापस अभी हेलसिंकी जा रहा हूँ और शाम को काम है। अभी ये वासा शहर भी आपको दिखाना था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी 15-20 मिनट में निकलेगी यहाँ से ट्रेन, सो इसलिए, और आज रात को काम भी है। तो फिर अभी मैं सिर्फ आपको ये ट्रेन दिखाऊंगा, फिर वापस चलते हैं हेलसिंकी को। तो ये हेलसिंकी का सफ़र है, तो आई डोंट नो कि शायद फिनलैंड से निकलना पड़े। अभी तैयार करके बैठे हुए हैं हम सब कुछ। वो यार बहुत ही ना बहुत ही बर्फ़ पड़ रही है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम से भीग गया। सो चलिए अभी ट्रेन दिखाता हूँ एक बार आपको, और कुछ खाने पीने को ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। ये ना यहाँ का कैफ़े है यहाँ पे, तो यहाँ से कैफे कॉफ़ी लेते हैं। चलिए पहले तो जाके वाले या कावरा माय दो दो या ओके यस किड्स। सो अभी दोस्तों हमने ना अपनी कॉफ़ी वगैरह ले ली है, मैंने टेस्ट हुआ है, सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी थी, बहुत बुरा हाल था। टेस्ट भी ठीक ठाक हो गया है, देखते हैं अभी नंबर आएंगे जब पता लगेगा, अभी 2-3 महीने में रिज़ल्ट निकलेगा। सो ये है ट्रेन, और अभी ये इसमें सफ़र जो है मेरा आई थिंक 2-2.5 घंटे का सफ़र है, नहीं सॉरी 4 घंटे का सफ़र है, 2-2.5 घंटे नहीं। सो ये अभी हम यहाँ पे आए हैं, इसके अंदर यहाँ से आप अंदर से जा सकते हैं, और पहले तो मैं आपको ट्रेन के अंदर दिखाता हूँ। किड्स का ना, किड्स बच्चों के लिए कमरा है, देखिए यहाँ पे आप किताब पढ़ सकते हैं, अलग से कमरा है, और ये बच्चों के लिए सारा बना हुआ है इसके अंदर खेलने के लिए, नॉइस सो अलग से ये बना हुआ है। और इसकी ये आई थिंक ये टिकट नहीं है, और इसके अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आप रेडियो वगैरह भी सुन सकते हैं इसके अंदर, सब चैनल्स वगैरह हैं, जैसे आपके प्लेन में नहीं होता है सेम ही है, आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने वैन की तरफ। तो वानू नंबर कक्स तो मतलब कि नंबर 2 पे है, और यह यहाँ पे ना बटन लगा हुआ है एक वैन से एक से दूसरे में जाने के लिए, और इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है आपका अंदर ही, ये रेस्टोरेंट है इसका यहाँ पे। सो देखिए बना हुआ पूरा रेस्टोरेंट्स का ना, और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आज बंद है, अभी ये खुलेगा शायद जब ये ट्रेन चलेगी, तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं अपना, लिखा हुआ है रविंतोला, यानी कि रेस्टोरेंट को रविंतोला बोलते हैं और रेस्टोरेंट वैन। ऑलराइट सो अभी स्मेल्स लाइक सो बैड, और ये पूरा रेस्टोरेंट ही है, ऊपर चलें ऊपर भी दिखाई देता हूँ आपको, यानी ऊपर नॉर्मल आपको बिजनेस क्लास वगैरह लग रहा है ये। यस ये पूरा बिजनेस क्लास है यहाँ पे, आई थिंक सो
if I'm not wrong. और वाह, इसके और ज़्यादा टिकट होगी, मेरे को ये मालूम नहीं था इसके अंदर बिजनेस क्लास भी है. नाइस, क्या मस्त है यार, ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम थी. तो ये देखो भाई, अभी ना ट्रेन के कैरिज के अंदर ना बना हुआ, यहाँ से आप खड़े हो सकते हो और एंजॉय कर सकते हो. और ये यहाँ पे ना इसका ये टॉयलेट भी है आपका इसके अंदर, जैसे आपका होता है नॉर्मली सारे एयरप्लेन्स वगैरह में. और बहुत ही बढ़िया, मैं आपको पीछे होकर दिखाता हूँ एक बार सुंदर. ऑलराइट, सो ये था दोस्तों फिनलैंड की ट्रेन. होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है. सो आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, एकदम से ना पूरा ख़राब हुआ पड़ा है, बिकॉज मैं कल रात सोया नहीं, मेरा आज टेस्ट था, तो उसी की घबराहट में मेरे को ज़्यादा नींद भी नहीं आई. पर चलिए अभी हेलसिंकी जा रहे हैं वापस, और फिर हम इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे. थोड़े से और क्लिप्स डालूंगा आपके लिए और फिर इसको ख़त्म कर दें. होपफुली यू गाइस एंजॉय, लेट्स गो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. डू सब्सक्राइब टू चैनल, याद रखिए कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Two, too crazy and I got three. Bad ones and they ready. Four. A good time, so now alright, dosto. So, wapis abhi hum Helsinki pahunch gaye hain. So, aap dekh sakte hain, Central Station pe abhi utra hun. So, ye wala vlog yahan pe khatam karte hain. Ummeed hai ki aapko ye pasand aaya hoga. सो ये था हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड की ट्रेन कैसी है दिखने में. तो अभी लाइफ फ़िलहाल तो नॉर्मल है, पर रशिया ने जो वार्निंग दी है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी. बट फिर भी हमने तैयारी करके रखी हुई है जस्ट इन केस कि अगर निकलना पड़ेगा तो हम निकलेंगे यहाँ से. सो ये था वासा का ट्रिप आपके लिए, और नॉर्मली की हेलसिंकी और नॉर्मली की फिनलैंड की ट्रेन कैसी होती है. तो मैं आपको जल्द ही मिलूँगा आने वाले व्लॉग में, और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत ही जल्द उसको भी रिवील करेंगे आपके लिए.